मित्रों, सबसे बड़ा सच है मौत। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीना चाहता था। किसी के साथ हाथ मिलाने से पहले दस्ताने पहनता था। लोगों के बीच में जाने से पहले मुंह पर मास्क लगाता था। उसकी देखरेख करने के लिए उसने अपने घर पर 12 डॉक्टर्स नियुक्त किए हुए थे। ये डॉक्टर्स उसके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक की जांच प्रतिदिन किया करते थे। उसका खाना लेबोरेटरी में चेक होने के बाद उसे खिलाया जाता था। उसको व्यायाम कराने के लिए 15 लोगों को रखा हुआ था। माइकल जैक्सन अश्वेत था। उसने 1987 में प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपनी त्वचा को गोरा बनवा लिया था। अपने काले माँ बाप और काले दोस्तों को भी उसने छोड़ दिया था। गोरा होने के बाद उसने गोरे माँ बाप को किराए पर लिया और अपने दोस्त भी उसने गोरे बनाए। शादी भी गोरी औरतों के साथ ही की। 15 नवंबर को माइकल जैक्सन ने अपनी नर्स डेबी रो से विवाह किया, जिसने प्रिंस माइकल जैक्सन जूनियर तथा पेरिस माइकल कैथरीन को जन्म दिया। 18 मई 1995 में किंग ऑफ पॉप ने रॉक के सहजादे एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीसा प्रेस्ली से शादी कर ली। एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड में इस जोड़ी के ऑन स्टेज किस ने बहुत सुर्खियां बटोरी। हालांकि यह जोड़ी सिर्फ 2 साल तक ही साथ रह पाई और 18 जून 1996 में माइकल और लीसा ने तलाक ले लिया। माइकल जैक्सन 150 साल तक जीने के लक्ष्य को लेकर चल रहा था। माइकल जैक्सन हमेशा ऑक्सीजन वाले बेड पर ही सोता था। उसने अपने लिए अंगदान करने वाले डोनर भी तैयार कर रखे थे, जिन्हें वह खर्चा देता था ताकि समय आने पर उसे किडनी, फेफड़े, आंखें या किसी भी शरीर के अन्य अंग की आवश्यकता पड़ने पर वह आकर उसे दे दें। माइकल जैक्सन को लगता था वह अपने पैसे, अपने रसूख की बदौलत मौत को भी चकमा दे सकता है, लेकिन वह गलत साबित हुआ। 25 जून 2009 को उसके दिल की धड़कनें रुकने लगीं। उसके घर पर 12 डॉक्टरों की मौजूदगी भी हालात को काबू में नहीं कर पा रहे थे। सारे शहर के डॉक्टर उसके घर पर जमा हो गए, लेकिन वह भी उसे नहीं बचा पाए। उसने 25 साल तक बिना डॉक्टर से पूछे कुछ नहीं खाया। अंत समय में उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। 50 साल तक आते आते वह पतन के करीब ही पहुंच गया था और 25 जून 2009 को वह इस दुनिया से चला गया। जिसने अपने लिए 150 साल जीने का इंतजाम कर रखा था, उसका सारा इंतजाम धरा का धरा रह गया। जब उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टर ने बताया कि उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। उसका सिर गंजा था, उसकी पसलियां, कंधे, हड्डियां सब टूट चुके थे। उसके शरीर पर
अनगिनत सुई के निशान थे। प्लास्टिक सर्जरी के कारण होने वाले दर्द से छुटकारा पाने के लिए एंटीबायोटिक वाले दर्जनों इंजेक्शन उसे दिन भर में लेने पड़ते थे। माइकल जैक्सन की अंतिम यात्रा को लगभग 2.5 अरब लोगों ने लाइव देखा था। यह अब तक की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली लाइव ब्रॉडकास्ट है। माइकल जैक्सन की मृत्यु के दिन यानी 25 जून 2009 को 3:15 बजे विकिपीडिया, ट्विटर और AOL इंस्टेंट मैसेंजर यह सभी के सभी क्रैश हो गए थे। उसकी मौत की खबर गूगल पर 800,000 लोगों ने सर्च की थी। ज्यादा सर्च होने के कारण गूगल पर सबसे बड़ा ट्रैफिक जाम हुआ था और गूगल क्रैश हो गया था। 2.5 घंटे तक गूगल कोई भी कार्य नहीं कर पाया था। मौत को चकमा देने की सोचने वाले हमेशा मौत से चकमा खा ही जाते हैं। सार यही है, बनावटी दुनिया के बनावटी लोग कुदरती मौत की बजाय बनावटी मौत ही मरते हैं। क्यों करते हो गुरूर अपने 4 दिन के ठाट पर, मुट्ठी भी खाली रहेगी जब पहुंचोगे घाट पर। नमस्कार।